नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और डिफरेंट प्रेजेंटेशन। आज हम करते हैं एसएससी सीजीएल 2015 का रिजल्ट आया है जो अभी, उसका एनालिसिस करते हैं और उससे देखते हैं कि क्या निकल कर आता है, मेरिट किस दिशा में जा रही है और जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से जो पोस्ट है उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इसके दो पार्ट होंगे इस प्रेजेंटेशन के। एक होगा जिसमें इंट्री पोस्ट है उसके बारे में एनालिसिस होगा और दूसरा है वो नॉन इंट्री पोस्ट है उसके बारे में एनालिसिस होगा। हालांकि 2016 से इंट्री पोस्ट या नॉन इंट्री पोस्ट इंट्री के हिसाब से उसका डिफरेंस खत्म कर दिया गया है, इंट्री नहीं होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन है, लेकिन जो वैकेंसी है उसका जो प्रोफाइल है वो सेम रहेगा। तो आप बोल सकते हैं उस नज़र से आप देख सकते हैं प्रोफाइल की नज़र से कि जो हायर लेवल की पोस्ट है और लोअर लेवल की पोस्ट है, उस रूप में भी हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। दिस प्रेजेंटेशन इज इन हिंदी मीडियम। दो स्टूडेंट हु वांट टू वॉच प्रेजेंटेशन इंग्लिश मीडियम, देर इज अनदर प्रेजेंटेशन फॉर द सेम कंटेंट विच विल बी इन इंग्लिश मीडियम एक्सक्लूसिवली। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू वॉच इंग्लिश मीडियम प्रेजेंटेशन दैट दोज कैन रेफर दैट प्रेजेंटेशन। देखिए जो रिजल्ट है उसमें वैकेंसी थी पिछले साल, आप बोल सकते हैं 2015 के लिए वैकेंसी हुई है वो है 8511, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 8 से 9 हजार के बीच में वैकेंसी थी पिछले साल। और अगर इस साल का कंपैरिजन करूं मैं तो इस साल भी लगभग अभी तो जो एसएससी की वेबसाइट पे दिखा रहा है वो डिफरेंट है, इन बाद में वैकेंसी ऐड हो जाती है, तो मुझे लगता है कि लगभग सेम नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 2016 के लिए रहेगी। ये उम्मीद की जा सकती है कि एसएससी सीजीएल में 2016 के लिए भी इतनी वैकेंसी रहेगी। हालांकि अगर मैं इंटरव्यू पोस्ट की बात करूँ तो इसमें लगभग 3500 के आसपास वो वैकेंसी होती है इस साल, और यही रेंज है, अप्रोक्सीमेट में फिगर दे रहा हूं दोनों की, यही रेंज है वो 3500 के आसपास है वो 2016 में रहेगी। तो आप बोल सकते हैं कि 3500 में आपको आने के लिए इंट्री पोस्ट के लिए कंपटीशन को फाइट करना पड़ेगा। अब आता है लोवेस्ट कट ऑफ गई है जो इंट्री पोस्ट के लिए, वो कितनी गई होगी, 494.25 ये जनरल कैटेगरी कट ऑफ है, ओबीसी के लिए 472 है, 430.5 है ये एससी कैटेगरी के लिए, और ये टोटल इसमें क्या है टायर वन से रिलेटेड 200 मार्क्स का पेपर होता है टायर वन का, टायर टू का दो पेपर 400 मार्क्स और फिर इंटरव्यू 100 मार्क्स, तो टोटल 700 में से ये टोटल स्कोर है। आमतौर पर ऑन एन एवरेज 55 मार्क्स होता है वो इंटरव्यू के लिए होता है, तो आप बोल सकते हैं, हम आगे एनालिसिस करेंगे कि अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि इसमें से अगर 55 माइनस करेंगे तो 445 या इस रेंज में जाएगा जो कि एक्चुअल में इनका स्कोर था, हम आगे देखेंगे इसको, लेकिन 455 के आसपास आप बोल सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में टायर वन और टायर टू का स्कोर रहा होगा जो कि मिनिमम है, और उसके बाद ओबीसी इसका में जिसके 445 से कम नंबर थे उसकी संभावना बहुत कम होगी कि जिसके सिलेक्शन हो जाए। इसके पीछे या तो इंटरव्यू में इतना ज्यादा फर्क होता नहीं है, 5-7 नंबर का फर्क हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इतना ज्यादा फर्क होता नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि 445 से नीचे वाली संभावना है वो काफी कम हुई होगी इंटरव्यू पोस्ट के लिए। ओबीसी के लिए भी सेम स्टोरी, अगर 55 माइनस करें तो आप बोल सकते हैं कि लगभग 415 या 420 से नीचे जिसका स्कोर होगा उसके लिए इंटरव्यू पोस्ट को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल काम होगा टायर वन और टायर टू के लिए, और ऐसे इसमें अगर इसमें माइनस करें अप्रोक्सीमेटली 375 नंबर टोटल, ये मिनिमम हम बोल रहे हैं कि इतना 375 अगर उसके आए होंगे या इतना अगर स्कोर किया जाता है तो जॉब मिलने की इंटरव्यू पोस्ट के लिए कोई संभावना बनती है, क्योंकि ये मिनिमम है और हम ये मानकर चल रहे हैं 55 जो कि ऑन एन एवरेज होती है
आमतौर पे नंबर इंटरव्यू में तो इतने नंबर 417 और इससे आप एक अंदाजा आपको ये मिल रहा है कि अगर 2016 में 2016 में अगर स्कोर करना है आपको इंटरव्यू पोस्ट के लिए तो इससे ज्यादा होना चाहिए एससी कैटेगरी के लिए, इससे ज्यादा होना चाहिए 417 के लिए और इससे ज्यादा होना चाहिए 445 से जनरल कैटेगरी के लिए। अगर उस रेंज में आप टारगेट रखते हैं तो इसका मतलब जो हायर लेवल की जॉब है जिसको इंटरव्यू पोस्ट बोला जा रहा है वो आपको मिलने की संभावना होगी। ये एक तो पहली बात निकल कर आ रही है इससे सामने। अब आता है हम और एनालिसिस करते हैं जिससे कि और कुछ एक आइडिया और मिलेगा हमें कि किस पोस्ट के लिए किस रूप में कट ऑफ या कट ऑफ हुई है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये जो डाटा लिया गया है ये डाटा अभी जो रिजल्ट है उससे लिया गया है, इसलिए मेरा कोई डाटा नहीं है, मेरा सिर्फ एनालिसिस है उस डाटा के ऊपर। टोटल वैकेंसी है वो इस रूप में थी। आप बोल सकते हैं सबसे ज्यादा वैकेंसी की अगर बात करूं मैं तो सेंट्रल एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट से हाईएस्ट वैकेंसी वो सबसे ज्यादा थी। एक दो चीज के लिए वैकेंसी ज्यादा नहीं थी, एक दो पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं थी और सीवीसी उसके लिए वैकेंसी जो अच्छी पोस्ट मानी जाती है उसके लिए सिर्फ एक वैकेंसी थी। तो उस अगर मैं और असिस्टेंट के लिए भी 620 जॉब ये भी काफी अच्छी पोस्ट मानी जाती है स्पेशली फॉर फीमेल्स क्योंकि सिटिंग जॉब है और दिल्ली में है, ट्रांसफरेबल नहीं है तो इसका काफी ज्यादा एडवांटेज भी होता है। तो अगर हम बात करें कि टोटल कट ऑफ ये यूआर का मतलब अनरिजर्व कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी, हालांकि बाकी भी कैटेगरी होती है, मैंने मोटे तौर पे तीन कैटेगरी को लिया है। इससे एक हिंट मिलेगा क्योंकि अगर ज्यादा कैटेगरी लेता तो ये समझाने में या इसको एनालिसिस करने में और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता, तो कंफ्यूजन को मिनिमाइज करने के लिए मैंने सिर्फ तीन कैटेगरी को लिया है। 498 है वो असिस्टेंट के पोस्ट के लिए मिनिमम वैकेंसी रही है। अब ये देखिए एक चीज और आपको नजर आ रहा होगा, आपको यहां से देखिए 490.25 बहुत क्लोज है कि लगभग 494 ये मिनिमम है तो इसी से ही 500 के आसपास है बाकी के लिए गया हुआ है। ऐसे इस कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं, हम उसको एनालिसिस कर रहे हैं अगली स्लाइड्स में तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे मैसेज सिर्फ ये कि कितनी वैकेंसी आप इसको ये देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी थी, लगभग 3,500 के आसपास वैकेंसी टोटल इससे बन रही है। तो 3,500 की वैकेंसी आप अगले साल के लिए भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। अब मैं अगर जनरल कैटेगरी का एनालिसिस कर रहा हूं, मैं जनरल कैटेगरी का एनालिसिस करना हो तो यहां पे एक चीज देखिए और ये है डिसेंडिंग ऑर्डर में कि सबसे ज्यादा कट ऑफ किस पोस्ट की गई होगी। ये जो गोसिप बाजार होता है उसमें बड़ा फेसबुक वाले लोग होते हैं इन चीजों पर बड़ा ध्यान देते हैं, सबसे ज्यादा कट ऑफ किसकी जाती है, सबसे कम किसकी जाती है, और आमतौर पर वो स्टूडेंट भी ध्यान देते हैं ये लोग जो कि 2-3 साल से तैयारी ज्यादा कर रहे हैं और वो या एक दो जगह पर कहीं सिलेक्शन भी हुआ होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट है वो भी एक थोड़ा इसमें देख सकते हैं जिससे कि आपको आइडिया हो क्योंकि टफ कॉम्पिटिशन है तो कौन सी पोस्ट के लिए मेरिट ज्यादा जाती है, कितनी जाती है और कम जाती है। ये विद इंटू जो 700 है उसमें से लिए गए हैं, बिना इंटू भी मैं आगे एनालिसिस करूंगा अगर 55 का माइनस किया जाए तो क्या क्या बन रहा है, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा गई है। शायद इसके पीछे एक ही है कि एक वैकेंसी है, किसी ने सबसे ऊपर इसको प्रायोरिटी दी होगी और उसी में उसका सिलेक्शन हो गया, उसके परसेंटेज भी अच्छे होंगे और वैसे भी ये जॉब काफी अच्छी मानी जाती है, काफी अच्छी मानी जाती है, पावरफुल जॉब। तो उसका कट ऑफ गया 556। आप बोल सकते हैं उस बच्चे के 500 के आसपास स्कोर होंगे, 6 out of 600 500 के आसपास उसका स्कोर होगा। बाकी जो है जो सबसे दूसरे नंबर के लोगों ने जो रखी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। बट बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आमतौर पर लोगों के दिमाग में ये होता है कि कोई इनकम टैक्स है, एग्जामिनर है, उस तरह की नंबर वन होगी पोस्ट। ज्यादातर इस बार जो लोगों ने रखी होगी वो है एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, शायद बाहर घूमने का
ज्यादा उत्सुक होंगे लोग। जनरल कैटेगरी से जो निकल कर आ रहा है वो 524.5 इस रूप में गई है कि एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेफरेंस लोगों ने भरी होगी या ये प्रायोरिटी उसकी। उसके बाद इंस्पेक्टर एग्जामिनर काफी फेवरेट पोस्ट मानी जाती है ये, और बोल सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं नंबर वन पोस्ट के रूप में इसको रखने की कोशिश करते हैं। शायद प्रमोशन फास्ट एक इसका रीजन होगा या और बहुत सारे फाइनेंशियल कारण हो सकते हैं, हम उन कारणों में नहीं जा रहे, लेकिन हम सिर्फ ये देख रहे हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए कौन से लोगों ने ज्यादा प्रेफरेंस दी होगी। और उसके बाद कट ऑफ गई है वो गई है, ज्यादा फर्क तो नहीं है एक्सटर्नल अफेयर्स और एग्जामिनर के बीच में, लेकिन ऑब्वियसली ये फर्क होता भी नहीं है कि बहुत क्लोज कॉम्पिटिशन होता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भी काफी लोगों ने प्रायोरिटी दी है, हालांकि वैकेंसी 25 है, लेकिन फिर भी उसके आधार पर भी एनालिसिस करना हो क्योंकि ओबीसी की इसमें वैकेंसी नहीं होगी, 522 है। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के एनालिसिस हो रहा है इस स्लाइड में, इस पेज पे जनरल कैटेगरी का एनालिसिस है, आप इसको कंसीडर नहीं करें बाकी को अभी फिलहाल। तो रेलवे में लोग ज्यादा लगना चाहते हैं बाकी इनकम टैक्स की तुलना में भी, ये एक बात निकल कर आई है। शायद इसके पीछे दो तीन रीजन हो सकते हैं कि रेलवे में शायद ज्यादा पीसफुल लाइफ हो सकती है, दूसरी बात रेलवे फैसिलिटी काफी देता है, तीसरी बात यह हो सकती है कि शायद ज्यादा ट्रांसफर का इश्यू ना हो उसमें, और बहुत सारी लड़कियां हैं आजकल एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रही है, गर्ल्स तैयारी कर रही है, और गर्ल्स है वो शायद वो एक सिटी को ज्यादा प्रेफर कर रही है, शायद इसी वजह से बाकी जगह जा रही होगी, या ऐसा उसका इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है कि रेलवे को प्रायोरिटी काफी ज्यादा दी जा रही है। शायद ये एक फैसिलिटी एक रीजन हो सकता है, पीसफुल लाइफ एक रीजन हो सकता है, रेलवे थ्रू आउट इंडिया घूमने वाले के शौकीन लोग होंगे ज्यादा इसमें। और ये जो रेलवे में प्रेफरेंस होना शायद स्टेट टू स्टेट भी बहुत ज्यादा डिफरेंस करता है, जैसे कि अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो शायद ही कोई रेलवे को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता होगा, क्योंकि हरियाणा में रेलवे कल्चर नहीं है, इसलिए लोग है इनकम टैक्स या इस तरह की चीजों को ज्यादा, इनकम टैक्स एग्जामिनर सेंट्रल एक्साइज ऐसे चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। एनीवे वो अपना अपना, लेकिन ये तो डाटा है जो कि प्रॉपर एनालिसिस हो रहा है डाटा का कि लोगों ने किसको प्रेफरेंस दिया है। फिर आता है इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए जो मिनिमम कट ऑफ हुई है वह 519, अगर इसमें से अगर मैं 55 मार्क्स माइनस करूं, 520 में से 55 माइनस करूं, तो आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं 465 प्लस जिसके स्कोर था टायर वन और टायर टू के नंबर्स को मिलाकर, ये इंटू समेत है, अगर 465 प्लस था तो इसको मतलब ये जो उन्हीं को मिली है इनकम टैक्स। तो बहुत सारे लोग हैं, आमतौर पे जब हम डे टू डे कम्युनिकेशन करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी निकल कर आती है वो इनकम टैक्स आती है आमतौर पे, और उसमें जो सबसे ज्यादा जो कम से कम चाहिए स्कोर गया है वो 465 के आसपास गए, ये हम एवरेज ले रहे हैं 55 माइनस करके इंटरव्यू पोस्ट के लिए टायर वन और टायर टू के हिसाब से। तो अगर 2016 की प्लानिंग करनी है और आपको इनकम टैक्स के चाहिए तो 465 प्लस नंबर होने चाहिए, 470-75 का स्कोर आपको रखना पड़ेगा, 5 से 5 नंबर के आसपास ज्यादा रखना पड़ेगा, सेम क्वेश्चन पेपर हो, सिमिलर डिफिकल्टी हो, सेम मीन्स सिमिलर लेवल क्वेश्चन पेपर हो डिफिकल्टी लेवल, तो 470 के आसपास जाएगी। अगर आपको 120 टायर वन में आते हैं तो 350 के आसपास टायर टू में होनी चाहिए, अगर 140 टायर वन में है तो 330 है वो टायर टू में होनी चाहिए, इस रेंज में आपको स्कोर करना पड़ेगा। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर काफी पावरफुल जॉब मानी जाती है ये भी, या आप बोल सकते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आपने वर्ड सुना होगा जो आमतौर पे जो घोटाले वगैरह की जांच करता है, या जो विजय माल्या से इसका आजकल सीधा कम्युनिकेशन हो रहा है। एनीवे 518 इसकी गई है, ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक नंबर का भी फर्क नहीं है। जो लोग इनकम टैक्स चाहते थे और एक नंबर कम आया होगा, सोचिए कि उनको कितना बड़ा झटका लगा होगा एक नंबर से कम का डिफरेंस। उसके बाद असिस्टेंट इन मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद ग्रेड पे 4600, दूसरे जो मंत्रालय होते हैं
ये कुछ मंत्रालय होते हैं वहां पे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, बाकी बहुत सारे और भी मंत्रालय होते हैं दिल्ली में सेंट्रल सेक्रेटरिएट में, तो वहां पे देखिए 517 एक नंबर का फर्क भी यहां पे नहीं है इनके बीच में, बहुत टफ कंपटीशन चल रहा है इनकम टैक्स और बाकी डिपार्टमेंट के बीच में, इन ज्यादा गैप नहीं है। आप बोल सकते हैं 465 to 470 नंबर चाहिए चाहिए अगर आपको इस रेंज में नौकरी लेनी है तो 2016 के लिए, अगर सेम कंडीशन बाकी फैक्टर हम लोग सेम रखते हैं तो। फिर आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में, अगर आपको जॉब चाहिए 507 और आपको एयरफोर्स हेडक्वार्टर में जॉब चाहिए 504, यहां पे भी अच्छी मेरिट गई है। इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग्स से रिलेटेड नार्कोटिक्स, अगर वहां छापेमारी करनी है आपको तो 503 काफी ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन। सब इंस्पेक्टर सीबीआई 502 वहां पे मेरिट गई है। सब इंस्पेक्टर्स अगर आप बनना चाहते हैं लगभग 550 के आसपास नंबर तो आपको कम से कम देने होंगे, 450 टायर 1 और टायर 2 में आपके होनी चाहिए। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर बहुत क्लोज कंपटीशन। असिस्टेंट इन सीएसएस काफी वैकेंसी भी थी और कट ऑफ गई है 500 के आसपास, आप बोल सकते हैं कि आपको 445 से 450 के बीच में अगर आपका इंटरव्यू रीजनेबल जाता है तो उसमें गई होगी, लेकिन 2016 में इंटरव्यू नहीं है तो इसका मतलब सीधा सीधा टारगेट 450 का आपको रखना पड़ेगा इस वैकेंसी को हासिल करने के लिए। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज 496.25 सेंट्रल एक्साइज और इनकम टैक्स में थोड़ा फर्क शायद इसलिए होगा क्योंकि इनकम टैक्स में प्रमोशन फास्ट होती है, सेंट्रल एक्साइज में प्रमोशन फास्ट नहीं होती। दूसरा शायद यह भी रीजन हो सकता है कि यह वैकेंसी ज्यादा भी होगी, ये भी रीजन हो सकता है ज्यादा होने की वजह से। तीसरी बात ये भी हो सकता है लोकेशन वाइज का डिफरेंस हो जाता है, वरना आमतौर पे सेंट्रल एक्साइज और इनकम टैक्स लोगों की इनकम टैक्स और उसके बाद सेंट्रल एक्साइज काफी ज्यादा ऊपर तवज्जो दी जाती है। ये अलग बात है कि बहुत सारे फैक्टर दूसरे भी करते हैं डिपेंड करता होगा। फिर है असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद ग्रेड पे, ये थोड़े कम ग्रेड पे वाली जॉब, इसकी भी 496 कट ऑफ गई है। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट डिविजनल अकाउंटेंट कैग सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA सब इंस्पेक्टर वहां पे, शायद सब इंस्पेक्टर की वजह से इसको थोड़ी कम प्रायोरिटी दिया, लेकिन फिर भी जो मिनिमम कट ऑफ जाती है आप बोल सकते हैं कि 3 डिपार्टमेंट में जाती है पोस्ट में, उसके बाद डिविजनल अकाउंटेंट CAG हालांकि वैसे तो अच्छी पोस्ट है लेकिन फिर भी जा रही है कम, कंपेरेटिवली कम है, और सब इंस्पेक्टर NIA 494.25 मिनिमम कट ऑफ के लिए भी बहुत टफ कंपटीशन हुआ होगा। सोचिए अब आप जिन बच्चों के 494 नंबर है इसका मतलब क्या हुआ, बहुत मेहनत की होगी साल एक दो साल दो साल से काफी टाइम से उन्होंने, और वो इंट्री पोस्ट से थोड़ा पीछे चले गए, और यही मैं कारण है कि मैं हमेशा बोलता हूं कि एक एक नंबर का डिफरेंस होगा, आपकी तैयारी का स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए कि एक नंबर कैसे अर्न करना है उसके ऊपर आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक एक नंबर मैटर करता है। आमतौर पर जो स्टूडेंट है जब 10 नंबर का डिफरेंस होता है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और वो लगभग उनका लेवल एक जैसा होता है तो उनकी स्ट्रेटजी है बहुत सारा मैटर कर जाती है। अब हम थोड़ा ओबीसी की तरफ चलते हैं, ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात कर रही थी, अब है ओबीसी से, तो जो स्टूडेंट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उस वो थोड़ा देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी और इसमें आमतौर पर 20-25 नंबर का फर्क होता है, 20 से 25 नंबर के बीच में। अब देखते हैं ये कॉलम पूरा जो क्या वो है वो ओबीसी से रिलेटेड है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंस्पेक्टर एग्जामिनर, क्योंकि सीबीसी की पोस्ट सिर्फ एक थी और वो जनरल कैटेगरी की थी इसलिए वो थोड़ा एक्सेप्शन हो गया, लेकिन आमतौर पर बाकी जो दूसरी चीजों में जा रही है वो इतना फर्क होता है, लगभग 20 नंबर के आसपास का फर्क होता है दोनों में, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी में। तो सबसे ज्यादा ऊपर जाती है एग्जामिनर, अब यहाँ पे थोड़ा क्लियरिटी हो रही है कि ज्यादातर स्टूडेंट अगर एग्जामिनर को प्रेफरेंस देते हैं, 114 वैकेंसी भी, इसका मतलब डाटा भी इसको ठीक रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कम अगर एक दो वैकेंसी है तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट ने हो सकता है वही टिक लगाई और उसी में उसको जो मिल गया उसके अच्छे मार्क्स हों, लेकिन अगर 114 है तो सभी ने ऐसा नहीं किया होगा ये श्योर है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर
है इसमें काफ़ी ऊपर गई है 70404। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का नंबर आता है, फिर आता है प्रिवेंटिव ऑफिसर का, आईबी का नंबर आ रहा है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स का आ रहा है, उसके बाद एयरफोर्स हेडक्वार्टर का आ रहा है, उसके बाद है दूसरे मंत्रालयों का, सब इंस्पेक्टर सीबीआई और सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज। क्योंकि देखिए वो पिछले साल या 2015 में इनकम टैक्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी ओबीसी कैटेगरी के लिए, इसलिए इनकम टैक्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं। आप थोड़ा सरप्राइज होंगे लेकिन इनकम टैक्स की वैकेंसी थी नहीं, इसलिए यहाँ पे सेंट्रल एक्साइज यहाँ पे आया है फिर, और ज़्यादा फर्क नहीं है बाकी वैकेंसी के बीच में। 475 वाला है उसको सेंट्रल एक्साइज मिला है 475 से लेकर, इसका मतलब उसके टायर टू में और टायर वन दोनों को मिलाकर अगर 55 माइनस करूँ तो लगभग 425 से 430 के आसपास उसके नंबर होंगे, इस रेंज में उसका स्कोर हुआ होगा 425 के आसपास। तो अगर आपको इंट्री पोस्ट चाहिए और रीजनेबल ठीक सी चाहिए तो 430 के आसपास आपका स्कोर है टायर वन और टायर टू को मिलाकर, और ओबीसी कैटेगरी है तो आपको मिलेगी ठीक, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं है। आप देखिए तीन नंबर है वो उसी का फर्क है, वरना कोई आपके लिए कोई जॉब नहीं है फिर। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर पोस्ट, कैग और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, शायद ये इन्वेस्टिगेशन वाला मामला है। आमतौर पर जब बम वगैरह फटते हैं तो NIA की टीम जाती है, सब इंस्पेक्टर हो सकता है, रोल थोड़ा सा डेंजरस लगे इस वजह से नीचे गई होगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये भी एक पावरफुल एजेंसी है इंडिया की, काफ़ी रेप्यूटेड एजेंसी है इनफैक्ट आज के टाइम में। धीरे धीरे शायद आने वाले टाइम में लोग इसको रिकॉग्नाइज करके पोस्ट ऊपर जा सकती है इसकी। फिर उसके बाद वैकेंसी, और वैकेंसी थी नहीं बाकी मंत्रालयों में, वैकेंसी नहीं थी ओबीसी कैटेगरी से रिलेटेड, इसलिए ये जो CVC है बाकी चीज़ों में आपको नजर नहीं आ रहा नाम। तो ये बन रही है उनका ट्रेंड कि कैसे ओबीसी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जा रही है, वो आपने अंदाजा लगा लिया होगा। अब चलते हैं SC कैटेगरी की तरफ, अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा होगा। SC कैटेगरी से रिलेटेड ये कॉलम है, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस SC कॉलम SC में रेलवे को दी गई है, रेलवे में 469 हाईएस्ट कट ऑफ गई है SC कैटेगरी। उसके बाद एग्जामिनर की शायद 25 वैकेंसी है और बहुत सारे लोग हैं जो कि रेलवे को प्रेफरेंस देते हैं, शायद रेलवे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देता है, अच्छी जॉब है, पीसफुल लाइफ, उसकी वजह से कोई तो रीज़न है जिसकी वजह से कि स्टूडेंट है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। क्योंकि एक डाटा है, ये डाटा है, इमोशनल लॉकर नहीं है, ये डाटा है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है इस पूरे चार्ट किस दिशा में ट्रेंड जा रहा है। इंस्पेक्टर एग्जामिनर फिर इस पोस्ट को यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कवरेज भी लिया, हाईएस्ट आप बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्रेफरेंस दिया। तो एग्जामिनर एक सबसे ज़्यादा मोटे तौर पे देखा जाए तो एग्जामिनर सबसे रेप्यूटेड जॉब में से आ रही है, सभी कैटेगरी को अगर एवरेज लिया जाए एग्जामिनर का पलड़ा काफ़ी भारी है, और एक्सटर्नल अफेयर्स का भी पलड़ा भारी नजर आ रहा है, और रेलवे का भी पलड़ा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का भी अब यहाँ पर रोल आया क्योंकि ओबीसी में तो था नहीं, तो वहाँ यहाँ पर भी ठीक रोल है इसका, 465 है। आप मोटे तौर पर अगर अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है और आपकी SC कैटेगरी है, कितने नंबर आपको लेने चाहिए टायर वन और टायर टू में, इसको अगर मैं 55 माइनस करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 410 के आसपास नंबर आपके हों तो इसका मतलब ये जॉब मिल सकती है आपको। तो आप बोल सकते हैं कि अगर 110 नंबर टायर वन में आए तो 300 नंबर टायर टू में होने चाहिए, अगर आप SC कैटेगरी है तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे, ये डाटा इंडिकेट कर रहा है। फिर दूसरा डिपार्टमेंट है जो 4600 का ग्रेड है, और उस 4600 वाला ग्रेड में ये नीचे 4200 वाला ग्रेड है और ये ऊपर 4600 ग्रेड है, सिर्फ काफ़ी ज़्यादा फर्क है, 16 मार्क्स का फर्क है यहाँ पे, देखिए ये रेंज गई हुई है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट, फिर आज उसके बाद है इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में और एयरफोर्स हेडक्वार्टर में, सब इंस्पेक्टर CBI, सेंट्रल एक्साइज नीचे गई है यहाँ पे, इसका मतलब सेंट्रल एक्साइज कुछ ज़्यादा लोग तवज्जो दे नहीं रहे। कुछ राज्यों में अपना अपना ट्रेंड है, जैसे हरियाणा की मैं बात करूँ तो सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, एग्जामिनर इस पर ज़्यादा जा रहा है। अगर मैं बिहार की बात करूँ तो रेलवे, इस तरह की जो डिपार्टमेंट है उसको नंबर वन प्रायोरिटी दी जाती है। हर राज्य का, हर कल्चर का अपना अपना एक ट्रेंड पर भी नजर आ रहा है इम्पैक्ट, और ये डाटा बता रहा है।
तो यहां पे अगर किसी को एक्साइज में जाना है, इनकम वो इंस्पेक्टर बनना, एक्साइज कस्टम इंस्पेक्टर बनना आपको, तो 435 में से अगर मैं 55 कम करूं तो आप ये मानकर चलिए कि 380 नंबर है आपके होनी चाहिए टायर वन और टायर टू में। 380 नंबर आते हैं तो एंट्री पोस्ट रिस्पेक्टेबल पोस्ट आपको मिल जाएगी। 380 नंबर लीजिए, एससी कैटेगरी है, टायर वन और टायर टू दोनों में मिलाकर आप बोल सकते हैं, अगर एक में 100 आते हैं तो दूसरे में 280 लाइए, आपको अच्छी वैकेंसी मिल जाएगी। फिर आता है असिस्टेंट सीएसएस इंस्पेक्टर पोस्ट कैग, सबसे ज्यादा सब इंस्पेक्टर एनआईए, सबसे कम अगर कट ऑफ जा रही है तीनों कैटेगरी की बात करें तो इन्हीं डिपार्टमेंटल जा रही है तीनों में। तो अगर किसी को वैकेंसी भरते टाइम ये देखना हो कि मैं कौन सी वैकेंसी भरूं और आप ट्रेंड के साथ जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत अच्छी है। आमतौर पर जब स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं तो एक दिक्कत आती है कि मैं कौन सी वैकेंसी पहले भरूं, कौन सी बाद में भरूं, तो मेरे से पूछा नहीं तो मैं क्या बताऊं। तो अगर वो ट्रेंड के साथ जाना चाहता है, दुनिया क्या बनना चाह रही है, और अपने खुद पे नहीं जाना चाहता, खुद की जाए तो पहले ये भी भर सकता है, तो आप इस प्रेजेंटेशन को जरूर देखिए, आपको बहुत सारे हिंट मिल जाएंगे कि ज्यादातर लोग इन तीन वैकेंसी को सबसे नीचे रखते हैं और ये तीन चार को सबसे ऊपर रखते हैं, और तीनों कैटेगरी में लगभग एक जैसा ही ट्रेंड बन रहा है। असिस्टेंट सीवीसी यहां पे वैकेंसी, इन कैटेगरी में वैकेंसी इनकी थी नहीं, ऐसी कैटेगरी से रिलेटेड वैकेंसी नहीं है, तो ये अब मोटे तौर पर ट्रेंड चल रहा है। अब देखते हैं इसका एक और एनालिसिस मैंने किया है, और ये बहुत सारे लोगों में जानने की जागरूकता होती है, इच्छा होती है, उसको मैंने एक ट्रेंड में फिट करने की कोशिश की है। और इससे जब आमतौर पर कट ऑफ की बात होती है कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो बाकी लोग अपना अपना जजमेंट कर सकते हैं कितनी कट ऑफ जा सकती है किसके लिए। इसमें मैंने क्या किया, एक कि एक तो जो 55 नंबर है हर चीज से माइनस कर दिया है, इन टू के लिए ऑन एवरेज जितना आता है मैंने एवरेज से माइनस कर दिया सब में। उसके बाद क्या किया है कि यहां पे डी ओबीसी का मतलब है डिफरेंस ऑफ ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी का कितने नंबर का डिफरेंस होता है, और फिर डिफरेंस ऑफ एससी कैटेगरी एंड जनरल कैटेगरी के बीच में कितना होगा। तो जब हमने इसकी एवरेज ली तो ये पाया गया कि ऑन एन एवरेज अगर इंट्री पोस्ट आइए तो जो कट ऑफ 455 है इंट्री के मार्क्स को हटाकर, मतलब टायर वन और टायर टू को, और उसको एवरेज टाइप की जॉब मिल जाएगी, इंटरव्यू पोस्ट में एवरेज टाइप की जॉब मिल जाएगी 455। तो एक इंडिकेशन ये बहुत ही क्लियर आपके सामने आ रहा है कि अगर 2016 में बाकी चीजें फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं और आपको टारगेट करना है कि कितने नंबर लू तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है, और ये कई बार स्टूडेंट पूछते हैं, ये जिज्ञासा हर स्टूडेंट के दिमाग में होती है, तो क्यों ना हम रिसर्च के माध्यम से, क्योंकि पिनेकल है वो रिसर्च पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है, डाटा को एनालिसिस करता है, उसके बाद ही अपने पत्ते खोलता है, पहले हवा में तीर चलाने की कोशिश नहीं करता। तो पिनेकल कोचिंग सेंटर की तरफ से एक ये मैसेज है कि आप 455 से ऊपर अपना टारगेट रखिए टायर वन और टायर टू को मिलाकर, मतलब कि अगर 120 अगर थोड़ा एनालिसिस आएगा इसका कि कितना टारगेट कितना रखें, फिर टायर वन में टायर टू में कितना रखें उसका आएगा। यहां पे मैं बता रहा हूं कि ओबीसी को 430 के आसपास, 429 और एससी कैटेगरी को 389, ये एवरेज स्कोर लिया गया, एवरेज है ये, इन सभी का एवरेज निकालना गया इन सभी का हर लाइन का, और यही कारण है कि इनका गैप आ रहा है, जो गैप यहां पे कुछ हो रहा है और यहां पे कुछ हो रहा है, गैप के पीछे इसका एवरेज लिया गया है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 20 नंबर का होता है आमतौर पर टायर वन और टायर टू दोनों को मिलाकर ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी में, और 60 नंबर के आसपास का डिफरेंस होता है, इन सब का एवरेज ये है, ये इन सब का एवरेज है 60 नंबर के आसपास का डिफरेंस होता है जनरल कैटेगरी और एससी कैटेगरी का टायर वन और टायर टू को मिलाकर। तो अपने आपको अगर पोजीशन करना है कि कहां पे कितने स्कोर करें तो एक सिलेक्शन हो सकता है, ये स्लाइड आपके लिए एक टारगेट आपको बता रहे हिट कर रही है। नंबर ऑफ वैकेंसी किस पोस्ट के लिए कितनी होती है ये हर साल चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ इसको याद करने या इसको ट्रेंड बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 2015 में किसकी ज्यादा वैकेंसी थी आप थोड़ा देख सकते हैं, आप थोड़ा इसको नजर दौड़ा सकते हैं। अब आता है कि अगर 2016 भी आप जारी कर रहे हैं और इंट्री पोस्ट, जो हालांकि इंट्री तो नहीं है लेकिन मैं इसको ये बोल सकता हूं हायर कैटेगरी जॉब के लिए आप टारगेट कर रहे हैं जिसको इंट्री पोस्ट बोला गया है पीछे, तो उसके लिए दो सिचुएशन अगर आप लें तो कितने नंबर चाहिए। टायर वन में अगर 120 करते हैं और 330 करते हैं टायर टू में,
आपका सिलेक्शन हो जाएगा इंटर पोस्ट के लिए। फोर्थ, और अगर मान लो पेपर मुश्किल भी आता है तो वो सबके लिए मुश्किल है, तो कंपेरेटिवली नंबर है वो कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी टारगेट है और इस रेंज में आपके मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब आप हैं थ्रू। और टायर वन में अगर आपके ज्यादा आ रहे हैं तो आपको काफी हेल्प मिल सकती है, और टायर टू में फिर आपको 310 नंबर भी है तो एक सिलेक्शन की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो आप इस रेंज में अपना टारगेट फिक्स कीजिए। अगर आपको इंटर पोस्ट चाहिए और इससे हायर रखते हैं तो आपकी मनपसंद पोस्ट हो सकती है आपके लिए, लेकिन यह भी एक अच्छा स्कोर होगा आपको अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब दिलाने के लिए। ओबीसी कैटेगरी में आप इस तरह का टारगेट रख सकते हैं, टायर 110, 320, या फिर अगर इसमें ज्यादा स्कोर करते हैं तो फिर आप 300 में आप एक कंफर्टेबल सिचुएशन में आ सकते हैं। ऐसे ही एससी कैटेगरी से लेकर अगर टायर 1 में 100 होता है और 290 होता है तो 120 और इसमें फिर 270 नंबर भी एक अच्छा स्कोर हो सकता है। तो इस रेंज की आपको इंडिकेशन देने के लिए ये एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाई। इस प्रेजेंटेशन में हमने डिस्कस किया कि 2015 में किस तरह, ये सिर्फ हमने इंटरव्यू पोस्ट के लिए किया है, जो नॉन इंटरव्यू पोस्ट से लेकर एक अलग प्रेजेंटेशन हो रही है। इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको नॉन इंटरव्यू से लेकर चीजें बताऊंगा। हमने इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया कि किस तरह की कितनी वैकेंसी थी और कितनी ट्रेंड जा रहा है और कौन सी वैकेंसी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लोगों ने दी। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।